नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आनंद और राधिका अंबानी की शादी एक शानदार आयोजन रही, जिसमें दुनिया भर से आए हाई प्रोफाइल के मेहमान शरीक होते दिखे। मशहूर हस्तियां से लेकर गणमान्य व्यक्ति और कारोबारी व नेताओं का हिस्सा बनना इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मंचों पर एक महत्वपूर्ण आयोजन बन गया। विवाह को लेकर अंबानी परिवार की सावधानी पूर्वक तैयारी की गई योजना ने यह सुनिश्चित किया कि हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज तक, फिर चाहे वो शादी के कार्ड हो या फिर विवाह स्थल की सजावट, और सब कुछ उनकी विशिष्टता और परंपरा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएं। बात जब जश्न को शानदार रूप देने और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आती है, तो अंबानी परिवार इन दोनों ही कामों को बखूबी पूरा करता दिखाई देता है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी भी इससे अछूत नहीं रही। पूरी शादी की रौनक में समृद्ध परंपराओं और आधुनिक शैली का एक ऐसा बेहतरीन मेल देखने को मिला, जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस समारोह का मुख्य आकर्षक मेहंदी की रस्म थी, जिसे भारतीय शादियों में प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह शादी रस्म सिर्फ हाथों पर ही मुश्किल लेकिन सुंदर आकृति बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तो शादी की उल्लास से भरी ऐसी शुरुआत है जिसमें संगीत, डांस और खुशी तीनों शामिल नजर आते हैं। मेहंदी से अपने प्रियजनों के नाम लिखवाने की सदियों पुरानी परंपरा से प्रेरणा लेते हुए नीता अंबानी ने इस कला को अनंत राधिका की शादी के दौरान एक अनूठा रूप दिया है। उनकी मेहंदी में हथेलियों पर राधा कृष्ण की खूबसूरत आकृति बनी थी, जो शाश्वत प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं। इसी के साथ उन्होंने अनंत और राधिका के नाम भी लिखवाए और वहीं हथेली के पिछले भाग पर बाकी अंबानी परिवार के सदस्यों के नामों को उकेरा गया। यह अनूठी कलात्मक कृति दिखाई है कि नीता अंबानी के मन में परिवार की एकता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति कितना सम्मान है। नीता अंबानी का अपने परिवार के लिए प्यार, लगाव, उस दिल छू जाने वाले वीडियो में भी कैद हुआ है, जिसमें वो अपने हाथों की मेहंदी दिखा रही हैं। हाथों पर लगी हिना डिजाइन के बारे में विस्तार से समझाते हुए वह एक एक कर परिवार के सदस्यों मुकेश अंबानी, आधा शक्ति, कृष्णा, वेद, पृथ्वी और अनंत राधिका के नामों को दिखाती हुई नजर आई हैं। और इस दौरान उनकी आवाज में स्नेह और खुशी का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। खूबसूरत पारंपरिक कपड़ों को पहन अनंत और राधिका उन रीति रिवाजों को सम्मान निभाते दिखाई दिए जो भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। विवाह स्थल पर सजावट में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूलन सामग्री का इस्तेमाल अंबानी परिवार की पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता दिखा था। तो वहीं दूसरी ओर खाने में परोसे गए पारंपरिक व्यंजनों ने मेहमानों का दिल जीत लिया। शादी से जुड़े सभी पक्षों की तैयारी बहुत सावधानी से की गई थी, जिसमें भारत की विविध और जीवंत संस्कृति की झलक योजना के अनुसार ही आकार ले सके। अनंत और राधिका की शादी में नीता अंबानी की खूबसूरत मेहंदी ने चुराया सबका ध्यान। अंबानी की शादी सिर्फ एक निजी जश्न नहीं, बल्कि यह तो एक मजबूत सांस्कृतिक छाप में तब्दील हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि आधुनिक परिवेश में भी पारंपरिक रीति रिवाजों को विशेष स्थान देकर अंबानी परिवार भारतीय परंपराओं को प्रासंगिकताओं को प्रदर्शित कर रहा है। इस विवाह आयोजन के दिखाया गया कि समय के साथ कदम मिलाते हुए कैसे यह परंपराएं और विकसित व अनुकूल बनाई जा सकती है, ताकि आज के समय में इनका महत्व बना रहे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी एक ऐसा समारोह रहा जिसमें परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मेल देखने को मिला। नीता अंबानी द्वारा मेहंदी में किए गए अनूठे प्रयोग से लेकर शादी में शामिल हुए बड़े बड़े मेहमानों तक, सब कुछ अंबानी परिवार की सांस्कृतिक विरासत के सहेजने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुकेश अंबानी के घर में जब भी शादी होती है आकर्षक का केंद्र बन जाता है। आपको बता दें कि इस बार उन्होंने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से कराई है और शादी एक आकर्षक का केंद्र बन गया है। मेहंदी से लेकर हल्दी, संगीत, हर एक फंक्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षक का रूप देकर खींचती नजर आ रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनकी इस शादी में शामिल हुए हैं। तो वहीं नीता अंबानी की मेहंदी की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर साझा करिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए TV24।